महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मलिक मोहम्मद जाय सिकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के छंदों का पाठ किया है। नागमती के वियोग विरह व्याकुलता का कवि जायसी ने 12 मासा वियोग के अंतर्गत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम छंद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाग कुवार नीर जग घटा, अब हो आओ पियू पर भूमि लटा, तो ही देखे पियू पलू है काया, उतरा चीत बहुरी करु माया, उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा, चित्रा मीत मीर घर आवा, कोकिल पियू पुकारत पावा, स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चले आए, सारस कुरूर ही खंजन दिखाए, भय विगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, बिरह हस्ती तन साले खाई करे तन चूर, बेगी आई पिय बाजहु गाजहु होई सदूर। जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है कि किसी भी छंद की व्याख्या करने से पूर्व उसका प्रसंग लिखना होता है, तो प्रसंग स्वरूप आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कवि जायसी कृत पद्मावत की नागमती वियोग खंड से अवतरित है, जिसके अंतर्गत कवि जायसी नागमती के 12 मासा वियोग को चित्रित करते हैं। और नागमती कहती है कि हे कांत, हे मेरे प्रिय रत्नसेन, क्वार मास प्रारंभ हो चुका है और अब वर्षा का जो जल है वो धीरे धीरे कम होने की कगार पे है, और ऐसी परिस्थिति से नागमती अपने पति को अपने प्रिय को याद करते हुए कहती है कि मेरा जो तन बदन है, मेरा जो शरीर है वो अत्यंत शिथिल हो गया है, थक गया है, और मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, आपके दर्शन से ही फलीभूत हो सकता है, मुझे जीवनदान मिल सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि आपने मुझे अपने मन हृदय चित्त से ही पृथक कर दिया है। हे मेरे कांत, मुझ पर दया करो और जल्दी से जल्दी लौट आओ। कवि जायसी इस पद में ज्योतिष और नक्षत्रों की बात करते हुए कहते हैं कि उए अगस्ती हस्ती गन घाजा और तुरे पलाने चढ़े रन राजा। अब नागमती कहती है कि हे मेरे पति, अगस्त्य के उदित होने पर यह जो नक्षत्र है, जो जिसे अस्ति नक्षत्र कहा जाता है, तो अस्त नक्षत्र के जो बादल है वो चारों तरफ गरजने लगे हैं, या इसका ये स्वरूप भी हो सकता है कि हाथी के समान वो गरजने लगे हैं, और ऐसी स्थिति में राजाओं ने युद्ध की तैयारी हेतु अपने घोड़ों पर पलान रखनी प्रारंभ कर दी है, अर्थात
राजा युद्ध की तैयारी के लिए घोड़े और पलंग तैयार कर चुके हैं, और जो चंद्रमा है वो मीन राशि में लौट चुका है, और कोयल की जो पीयू पीयू की रट है, ऐसा लगता है कि मानो कोयल ने अपना पति प्राप्त कर लिया है, या पति और उनका है जो आपस में मिलन हो गया है, इसी वजह से वो चुप हो चुकी है। तो हे मेरे मित्र, हे मेरे स्वामी, हे मेरे कांत, आप शीघ्र अति शीघ्र लौट आए, क्योंकि चारों तरफ जो प्रकृति का चित्रण जयसी ने किया है, नागमती कहती है कि स्वाति नक्षत्र से जो बूंदे है वो सीधे ही चातक के मुंह में आ गिरी है, चातक के मुख में पड़ गई है, और आसपास के जो सरोवर है, जो समुद्र है, उसके अंदर सीप मोतियों से भर गई है, और तालाबों में हंस, सारस पक्षी और ये खंजन पक्षी क्रीड़ा करने लगे, और तालाबों में हंस आ चुके हैं। सर्वत्र उजाला ही उजाल है, प्रकाश होने लग गया है, और जंगलों में, वनों में कांस भी फूलने लग गए हैं। पर हे मेरे पति, हे मेरे स्वामी, आप जब से चित्तौड़ छोड़ करके सिंघल द्वीप गए हैं, आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और प्रदेश में जा कर के आप हमें भूल गए हैं, और यह जो विरह है, यह विरह हाथी के समान मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मुझे व्यथित कर रहा है, और आपकी स्मृतियों ने मुझे घायल कर दिया है, अर्थात विरह से व्याकुल है नागमती, और अपने पति से कहती है कि इस विरह रूपी हाथी के लिए आप शीघ्र ही सींग बनकर इस विरह रूपी हाथी पे बरस पड़ो, गरज पड़ो। अर्थात नागमती के विरह की जो व्यथा है उसको अत्यंत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पद के अंत में विशेष लिखना है, तो विशेष के अंतर्गत एक तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है, जो मूल संवेदना है वो लिखनी है, उसके साथ ही भाषा और शैली और जो अलंकार है, या कोई विशेष बात हमें लगती है कि इसमें किस तरीके से नागमती के वियोग में प्रकृति के उपमान है, उद्दीपन रूप है, स्वरूप किस तरीके का उपमान और ये चित्रण किया गया है, तो वो सारी बातें हमें विशेष में लिखनी है, और इससे अगले वीडियो में हम नागमती वियोग खंड के अन्य छंदों का पाठ करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।